हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज के वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे दें कि हमारे इस चैनल पे 15 डेज आलोक कलेक्टर्स का 2 लाइट पास और पर डे वीकली मेंबरशिप का गिव अवे चल रहा है। सो अगर आपने हमारे पिछले वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज़ जाइए, आप हमारे पहले उस वीडियोज़ को चेकआउट करिए और डिस्क्रिप्शन में हम उन वीडियोस के लिंक को दे देंगे, आप डायरेक्टली वहां से भी जाके हमारे उन वीडियो को देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो सीज़न 31 के लाइट पास से रिलेटेड है। आज हम देखेंगे कि सीज़न 31 के लाइट पास में आपको क्या क्या मिलेगा और क्या क्या इंटरेस्टिंग चीज़ आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ देख सकते हैं कि मॉन्स्टर थीम के ऊपर बेस्ड है हमारा 31 का लाइट पास। और आगे देखेंगे कि इसमें हमें क्या क्या मिलेगा 31 में। सबसे पहले आप इसे देख सकते हैं कि ये ट्रेलर इंट्रो, आप जो चाहे वो बोल सकते हैं, सीज़न 31 का इंट्रो ही समझ लीजिए। इंट्रो तो हर सीज़न का आपको बहुत ही अमेजिंग देखने को मिलता है, लेकिन जब इलाइट पास आता है तभी हमें पता चलता है कि वो इलाइट पास लेने लायक है कि नहीं। देख सकते हैं बहुत ही भयानक तरीके से ये सीज़न 31 का इंट्रो बनाया गया है। पीसी वाला पोर्टल तो मुझे हैरी पॉटर मूवी का याद दिला रहा है। चलिए देखते हैं आगे। तो आइए, सबसे पहले हमें ये जैकेट देखने को मिल रहा है फीमेल कलेक्टर का, जो मुझे कुछ खास इतना पसंद नहीं आया। और नेक्स्ट में हम ये स्किन देख सकते हैं इसका, ये स्किन थोड़ा अच्छा लगा। और ये देख सकते हैं कि रेड कलर की जीप का स्किन है, ये स्किन भी बहुत ही अच्छी लगी देखने में। तो देखते हैं 31 सीज़न में, वेट करते हैं। ये रहा डब्बा बॉक्स जो हमें हर सीज़न में कहीं ना कहीं किसी रूप में मिलता है। ये रहा हमारा बैनर अवतार बोल सकते हैं। ये रहा मेल कैरेक्टर का जैकेट, टी शर्ट, जो चाहे वो बोल सकते हैं। इसमें भी मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया। नेक्स्ट में फिर वही डब्बा हमारा जो देखने को मिलता है हर सीज़न में। ये रहा सबसे मोस्ट अमेजिंग ड्रेस फीमेल कैरेक्टर का। जी गाइस, मुझे ये ड्रेस बहुत ही पसंद आया, इसका एनिमेशन के साथ ये जो कोट है, जैकेट है, ये मुझे पसंद आया। ये देख सकते हैं इसका स्कर्ट, फ्रॉक, जो चाहे आप वो बोल सकते हैं। ये रहे शूज़ जो अच्छे लगे वाइट कलर का कॉम्बिनेशन के साथ है। और फिर नीचे ये रहा इसका मास्क। मास्क थोड़ा अलग लुक में बनाया गया है, थोड़ा साइड में रखा गया है कैरेक्टर के, जो अच्छा है। चलिए देखते हैं आगे के और कैरेक्टर्स का। ये रहा डब्बा, आप देख सकते हैं। ये रहा M249 का स्किन, जो देखने में बहुत ही धांसू स्किन लग रहा है, लेकिन विदाउट किसी एबिलिटी के। फिर हमें वंस अगेन डब्बा। और ये रहा सबसे मस्त, मुझे ये लग रहा है इस सीज़न 31 का बैक पैक स्किन। लेवल 2 फिर लेवल 3 में तो कतई जहर लग रहा है फ्रेंड्स, बहुत ही मस्त है ये बैक स्किन, मुझे तो बहुत ही पसंद आया। वन सेकेंड डब्बा। टी शर्ट तो कुछ खास नहीं लगा। फिर आप ये उतार देख सकते हैं डब्बा। फिर आप ये देख सकते हैं इमोट, पहचानिए गाइस, बहुत मस्त इमोट है। सलाम, बहुत ही मस्त इमोट है। चलिए वेट करते हैं इस इमोट का। ये रहा हमारा करेक्टर वाउचर देखने को मिलेगा हमें। फिर आइए फिर देखते हैं स्केट तो भाई बहुत अच्छा लगा स्केटबोर्ड, लेकिन पिछले सीज़न से इस बार के सीज़न से तो मुझे उतना अच्छा नहीं आया ये। ये रहा बॉक्स जो हमें हर सीज़न में देखने को मिलता है। फिर पैरासूट का स्किन भी काफ़ी अच्छा है इस सीज़न का। और फिर ये लूट बॉक्स ब्लू कलर का, जो दूर से ही दिखाई देगा। चलिए लूट बॉक्स भी बहुत ही अच्छा है। फिर आगे देखते हैं, ये रहा मेल कैरेक्टर का ड्रेस जो मुझे बहुत ही पसंद आया गाइस। फीमेल कैरेक्टर के बाद ये मेल कैरेक्टर का ड्रेस है जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, एनिमेशन के साथ भी इसे बनाया गया है। आप इसका पेंट देख सकते हैं, अच्छा है। फिर शूज़ भी अच्छे हैं। फिर आगे
मास्क, क्रॉस में कुल मिला के टोटल ये मेल कैरेक्टर जैकेट है पूरा ड्रेस, ये अच्छा लगा इस सीजन का। हेयर स्टाइल भी ठीक ही है बोल सकते हैं। ये रहा पूरा टोटल, मस्त लगा गाइस, मुझे देखने में बहुत ही अच्छा लगा। चलिए वेट करते हैं 31 सीजन का, इसे भी हम ले ही लेंगे इसे किसी भी तरह। और ये फाइनल बंडल सबको लास्ट में मिलता ही है, हेयर स्टाइल है, फिर ये मास्क है, फिर नीचे आपको बैक का स्क्रीन देखने को मिलेगा। चलिए देखते हैं क्या मिलता है आगे। थैंक्स गाइस।